अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आज आप लोग का पेपर था रिसर्च मैथोलॉजी का। सबसे पहला पेपर था, कंपलसरी पेपर था, जो कि सारा आपको वो पेपर सबको देना ही देना था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कितने क्वेश्चंस हमारे जो भी पेड कोर्स बच्चे लिए हैं और इन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया है, वहाँ से जो PDF मैंने प्रोवाइड किया था वहाँ से कितने क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस फंसे हैं। तो बात करेंगे, टोटल 40 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम आपको वहाँ से 25 और 30 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बने हैं सीधे की सीधे लाइव प्रूफ। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने कोर्स में प्रोवाइड किया था। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें, फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ये आपको क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिला। आप देख सकते हो सेम टू सेम वही क्वेश्चंस और ऑप्शंस के साथ देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि पेड कोर्स वाले बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ, जितने क्वेश्चंस आपने बताए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, ठीक है। और अगर आप भी चाहते हो कि ऐसे कि 40 में से 40 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में सही हों प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी वही आए, तो आप इस कोर्स में एनरोल अभी हो सकते हो। क्योंकि देखो, बाकी के पेपर्स हैं, कुछ फाइनेंस वाले हैं, जो भी मार्केटिंग वाले हैं, HRM वाले, तो उससे रिलेटेड जो बच्चे भी लेना चाहते हैं, जिनका जो भी ऑप्शनल पेपर है, 3 पेपर बचा हुआ है, 4 पेपर, तो उसमें अगर हम बात करें तो प्राइस जो है 399 है आपकी, तो उस पर कुछ ना कुछ आपको क्या है यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि 300 हो जाएगा आपका, जो कि आप इस कोर्स को ख़रीद सकते हो, क्योंकि एक पेपर आपका हो चुका है, ठीक है। तो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक, क्योंकि उसमें देखिए आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट आपके MCQ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिब्लोग्राफी मीन्स, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने को मिला। बिब्लोग्राफी का मतलब क्या होता, फुट नोट, कोटेशंस, लिस्ट ऑफ बुक रेफर, बिब्लोग्राफी, तो लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर टू एज अ बिब्लोग्राफी, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले अगर अच्छे से आपने PDF पढ़ा होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये भी देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस और वही ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लस्टर सैम्पलिंग। ये भी आपको आज के पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, मतलब बहुत सारे, टाइम मिलेगा तो मैं 40 का 40 क्वेश्चन, ठीक है, एक मैं इसमें दिखा देती हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, क्योंकि टाइम के इशू की होने की वजह से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन कौन सा क्वेश्चन देखने को मिला, ए शेड्यूल इज जनरली फील्ड बाय, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, तो रिसर्चर के द्वारा, इन्फॉर्मेंट्स के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा की एजुकेशन, तो रिसर्चर के द्वारा रिसर्च शेड्यूल को फील्ड जनरली फील किया जाता है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो PDF है रिसर्च मेथोलॉजी का, हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लेंगे, वहाँ से आप पूरा अपना पेपर से क्वेश्चन से मैच कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो 8896914354 पे। बाकी के पेपर्स के लिए अगर आप चाहते हो सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छे CGPA लाना, अच्छे परसेंटेज लाना, तो इस कोर्स में ज़रूर इनरोल हो जाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि आप जैसे ही बहुत सारे बच्चों ने कोर्स में इनरोल हुआ है। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों ग्रुप जहाँ भी है वहाँ तक वीडियो शेयर करें।